हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ये वीडियो देखें और इसे शेयर करें, ताकि हमारा पूरा हिंदुस्तान इसे देखे और गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेने बोले, ताकि हमारे उन भाइयों और बहनों को कोई दिक्कत ना हो जो कि हमारे देश से बाहर रहकर काम कर रहे हैं। कृपया आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें। आपसे कहना चाहूँगी, ये काम बहुत जटिल था, बहुत ज़्यादा दुर्गम था, बहुत ही कठिन था, इसमें बहुत बाधाएँ थी। इतना बड़ा देश, बियाबान, रेगिस्तान, इतना बर्बर आतंकी संगठन कि जब मोसुल मुक्त हुआ तो केवल लाशों के ढेर थे। इतने मृतकों में से अपने लोगों को ढूंढना, मैं इसके लिए विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपनी तरफ से जनरल वी के सिंह का। वो इतने तारीफ के काबिल हैं, मैं जितनी तारीफ उनकी करूँ उतनी कम है। उन्होंने सारी बाधाओं को पार किया, सारी कठिनाइयों को झेला। जिस दिन बदूश गए, उस दिन रात को एक किसी गांव के एक छोटे कमरे में वो ज़मीन पर तीन लोग सोए हैं, लेकिन उन सारे कठिनाइयों को झेलते हुए वो अंत तक पहुँचे। और जो बात मैंने यहाँ कह दी थी कि बिना सबूत के मृत घोषित नहीं करूँगी, पक्का सबूत मिलेगा तो मृत घोषित करूँगी, वो वाकई वो सबूत खोज कर लाए। लेकिन उनके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इराक सरकार का, जिन्होंने हमारी बात मान करके अपना अधिकारी साथ दिया खोजने में, वरना मास ग्रेव्स में तलाशते रहते। अपना माउंट उन्होंने, और कौन करता है सभापति जी, डीप पेनिट्रेशन रडार से पहले नीचे जाकर के देखना, फिर पूरे का पूरा गड्ढा, पूरे का पूरा माउंट खुदवाना, फिर बॉडीज एक्ज्यूम करानी, फिर उनको बगदाद ले जाना और वहाँ फिर परीक्षण करना। और तीसरा आभार मैं करना चाहूँगी मार्टियस फाउंडेशन का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को केवल स्वीकार ही नहीं किया। ये बात 27 जुलाई की है और आज वो स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने वाले हैं कि हमारा ये डीएनए मैच कर गया है। और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने 3 वर्षों तक बहुत धीरज से इस तलाश को जारी रखवाया और कभी मेरा हौसला पस्त नहीं होने दिया। हमेशा ये कहा कि तुम इस तलाश को जारी रखो। मैं अब ये कहना चाहूँगी कि हमने अपने राजदूत को कह दिया है कि वहाँ वो तैयारी करे। हम केवल घोषणा तक नहीं रुक रहे हैं। जनरल वी के सिंह जहाज लेकर यहाँ से इराक जाएंगे, उनके पार्थिव शरीर कॉफिन्स में पूरे सर्टिफिकेट के साथ, केवल उनके नाम और पासपोर्ट नंबर के साथ नहीं, मार्टियस फाउंडेशन के सर्टिफिकेट के साथ कि इनका डीएनए फला से मैच हुआ है, ताकि ये वही व्यक्ति है, उनके जहाज में उनके पार्थिव शरीर लेकर आएंगे। जहाज पहले अमृतसर उतरेगा, 31 लोग उसमें पंजाब के और 4 हिमाचल के, उनको हम वहाँ बॉडीज देंगे। फिर पटना जाएंगे उसी जहाज को लेके, जो बिहार के लोग हैं उनके पार्थिव शरीर वहाँ के परिवारजन को सौंपेंगे। वहाँ से कलकत्ता जाएंगे और जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनको सौंपेंगे। कहते हैं सभापति जी, मरे का सब्र आ जाता है, खोए हुए का सब्र नहीं आता। अगर ये खोए हुए रहते, मिसिंग कैटेगरी में रहते जो आज तक थे, तब तक एक आस बंधी रहती, क्लोजर नहीं होता। लेकिन मैंने कहा था कि मैं पक्के सबूत के साथ क्लोजर करूँगी। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम उनके परिवारजन को उनके बच्चों की अस्थियां, उनके पार्थिव शरीर दे देंगे, तो भले ही रोध होकर सही, लेकिन वो क्लोजर कर देंगे। मैं चाहूँगी कि आज ये सदन उन सब के प्रति मौन रहकर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे और उन परिवार को सांत्वना दे जिन परिवार वालों के बच्चे 3 साल बाद भले ही जीवित नहीं, लेकिन कम से कम उनके पार्थिव शरीर उन तक पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।